हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हम दोनों डॉक्टर मिलके आपके दांत में कीड़े लगते हो तो उसकी दवाई बताएंगे। चलो डॉक्टर, अगर आपके दांत में कीड़े पड़ते हो तो सबसे पहले आप एक एलोवेरा लो और उसे बीच से काट के अपने दांतों में लगा लो। ओके। और फिर उसमें नमक लगा दो और फिर आप ब्रश लो और उसमें मंजन डाल दो और नमक ले और नमक उसमें डाल और उसमें नमक भी डाल दो। फिर उसको अनाया कर लो। सब गलत है क्योंकि ये सब उससे दांत और खराब हो जाएंगे। हमें बस रोज मंजन करना चाहिए, इससे हमारे दांत मजबूत बनेंगे और थोड़ा हमारा सही भी होगा। अच्छा नहीं है? अब आपको दूसरी दवाई बताऊंगी। आप काहे की दवाई बताओगी? दवाई अनाया क्या आया है तुम्हारे लिए? आम। खाओगी कि नहीं? नहीं। समृद्धि तुम खा लो ये। सुभाष चाचा, आपके पेट में जो चोट लगी थी वो दिखाओ। चोट नहीं दिखाऊंगा, पहले तुम दवा बताओ। ठीक है। अगर आपके पैर में रोवे हो तो आप उसके लिए क्या करें? सबसे पहले आप क्या करें, एक एलोवेरा ले या तो आप कोई से भी साफ एलोवेरा ले सकते हैं और उसको बीच से काट के अपने पैर में लगा लें। ओके। फिर कुछ देर बाद उसको पोंछ लेना है। फिर ना आप क्या करें, आप फिर उसमें कोई से भी क्रीम लगा के सो जाएं। फिर आप सुबह उठेंगे तो आपका पैर आपके पैर की सारी रोग गायब हो जाएंगे। अपने पैर पे दवा लगाइए, धीरे धीरे आप सुबह उठेंगे तो आपकी सही हो जाएगी। दीदी आपने सब झूठ बताया है, सब झूठ। हट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके खेत में अगर आपके खेत में साढ़ आते हो तो क्या करें। सबसे पहले आपको हरी भरी सब्जियां लेनी है और एक एलोवेरा लेके एलोवेरा को पहले नीचे लगा देना है आपके। आपको अपने खेत के लाइन खींच के जहाँ जहाँ लाइन खींचोगे आप वहीं डाल देना और फिर उनका सब पर रस निकाल के कुछ भी निकल जाए तो उसको आप अपने एक कपड़े से उसे अपने खेत के बाहर ऐसे ऐसे लगा दें। फिर जब कुछ जानवर आएंगे वो फिसल जाएंगे, इस वजह से आपका खेत हरा भरा रहेगा। चलो डॉक्टर, अब तुम बताओ अपनी दवाई बताओ ना। हम वो दवाई नहीं आती तो हम क्या करें, हमारे खुद दर्द हो रहा है तो हम खुद मम्मी से कहते हैं हमें कोई दवाई बताओ। तो तुम ही बताओ सर दवाई। चलो तो बताओ। अच्छा मान लो किसी को सब्जी लेने जाना है पाइकगंज, अब उसके पास गाड़ी नहीं है तो वो कैसे जाएगा और वो चल नहीं सकता है? वो कैसे जाएगा? वो किसी कुर्सी पे बैठ के जैसे जो चलने वाली कुर्सी नहीं होती है ऐसे चलने वाली पकड़ के ले जाते हैं। एक लोग उसको पकड़ेंगे और ले जाएंगे और ऐसे पकड़ के उसको ले जाएंगे पाएगा नहीं और वो सब्जी खरीद लेगा। अनाया तुम बताओ। हाँ, अगर आपको सब्जी अगर आपके पास बाइक ना हो और आप चल ना पाओ। हाँ, बिस्किट मुझे पसंद है। स्टार्ट करो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जब गर्मी लगती है तो क्या करें। सबसे पहले आपको एक कटोरी लेनी है, उसके अंदर पानी डाल के उसको फ्रीजर में रख देना है। जब वो जम जाए तो आप उसको निकाल के अपने फेस पे लगा लें। इससे आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और आपका फेस गोरा हो जाएगा। ओह माय गॉड। अब समृद्धि तुम बताओ क्या किया जाए। सबसे पहले हमें अपनी गर्मी खूब
ज्यादा वर्ष से बचने के लिए हमें कहीं भागना नहीं चाहिए, हमें अपनी हवा में रहनी चाहिए और हमें ठंडा ठंडा पाउडर लगाना चाहिए जहाँ पे कमोरी हो, और वहाँ हमें अच्छी जगह पे रहना चाहिए। गर्मी में हमें बारिश में हमें ठंडा लेकर आना चाहिए। और क्या बाकी अनाया बताएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी छत गंदी हो तो क्या करें, आपका घर गंदा हो तो क्या करें, सबसे पहले आपकी दीवार गंदी हो तो क्या करें, क्या करें। बताओ क्या करें। सबसे पहले आपको एक बाल्टी में पानी भरना है और पोछा लेना है और फिर आपको उसे जहाँ जहाँ होगा कुछ जैसे कि जाला गंदगी तो वही वही आपको डाल दो, आपका घर एकदम से साफ हो जाएगा। और दूसरी दवाई, अगर आपके घर में मच्छर छिपी हो तो सबसे पहले आप क्या लें, साबुन लें और पानी लें और फिर एक खाली डिब्बी लें जिसमें छेद हो और फिर आप साबुन को हाथ में लगाएं और फिर आपको उस पानी में हाथ धुल देना है, फिर उसको एक चम्मच लाना है और उसको बढ़िया से मिला के उस डिब्बी के अंदर डाल देना है, फिर उसको डिब्बी से भी ऐसे ऐसे करना है और उसके अंदर वो डाल देना है जिससे केक वेक बनता है वगैरह, ये सब मतलब इनो, और फिर उसको बढ़िया से मिला देना है, फिर आपके घर में जहाँ भी छिपकले मच्छर ज़्यादा आते हों वहाँ पे डाल दो, आपके घर के सारे छिपकले मच्छर भाग जाएंगे। थैंक यू, वेलकम। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या, जल्दी करो, पर आज के बाद कोई भी वीडियो नहीं दिखाएंगे। समृद्धि, तुम क्या बोलना चाहोगी दर्शकों से? तो अनाया ने इतने बेकार चीज कहने के लिए प्लीज आप भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर इतने बकवास से सवाल और इतने बकवास से आंसर चाहिए अनाया से तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। अनाया ऐसे ही आपको खतरनाक खतरनाक जवाब देती रहेंगी।